सत श्री अकाल जी, न्यूज़ पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ थोड़े नाल जगविंदर सिंह। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी खेत्र के सब तो वड्डे बैंक HDFC बैंक को 10 लाख रुपए का जुर्माना लाया है, जिसकी जानकारी खुद HDFC बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग दे विच दित्ती है। दस देवां कि RBI ने सब तो वड्डा इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसने HDFC बैंक को 10 लाख रुपए का जुर्माना लाया। आखिर क्यों RBI ने HDFC बैंक को 10 लाख रुपए का जुर्माना लाया, दिखाने हैं साड़ी इस खास रिपोर्ट के जरिए। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी खेत्र के सब तो वड्डे HDFC बैंक के लिए एक नवी मुसीबत खड़ी कर दी है। जी हाँ, बैंक को 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। HDFC बैंक ने जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फलाइंग विच दित्ती है। दरअसल HDFC बैंक सबसिडरी जनरल लेजर विच लाजमी घट्टो घट पूंजी नू बनाए रखने विच असफल रहे, जिसके बाद SGL बाउंस आया। RBI ने HDFC बैंक नू बीते 9 दिसंबर नू आदेश दिता सी ते अगले दिन यानी कि 10 दिसंबर नू यह सामने आया। दस दिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आदेश RBI ने अपनी नोटिफिकेशन विच किया है कि SGL दे बाउंस विच HDFC ते 10 लाख रुपए दे वित्ती जुर्माना लगाया गया। 19 नवंबर नू बैंक दे CSGL खाते यानी कि संविधान सबसिडी जनरल लेजर विच कुछ प्रतिभूतियां दा बकाया कटिया। RBI दे इस आदेश दे बाद शुक्रवार नू HDFC बैंक दे शेयर 1,03,084.5 रुपए ते कारोबार करदे वेखे गए ने। तो दस दिए कि SGL है कि सबसिडरी जनरल लेजर एक किस्म का डीमेट खाता है, जिस विच बैंकां वालों सरकारी बंड रखे जाते हैं, जो कि CSGL बैंक द्वारा खोलिया जाता है, जिस विच बैंक गाहकां दी तरफों बैंड रखते हैं। बैंड के नाल जुड़े लैन देन फेल होने नूं भी कहा जाता है कि SGL बाउंस हो गया। इस दे नाल ही हुण डिजिटल लॉन्चिंग ते भी रोक हो सकती है। हाल ही विच RBI द्वारा प्रोग्राम डिजिटल 2.0 दे तहत डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविस्ट दे लॉन्च ते रोक लगाने दे लई नवे क्रेडिट कार्ड HDFC क्रेडिट कार्ड गाहकां नूं सोर्सिंग ते रोक लगाउण दी घोषणा तो बाद स्टॉक ते वैल्यूएशन विच गिरावट वेखण नूं मिली है। फिलहाल दी रिपोर्ट दे विच इन्ना ही। होर खबरां लई तुसीं बने रहो साडे नाल ते देखते रहो ABNews पंजाबी।